यहाँ पे डिसाइड हो गया साधना की तरफ जाना है, तो साधना नहीं जाने दिया, फिर हम जाएंगे टीटी। अगर साधना आगे परमिशन मिली साधना से आगे तो हम साधना से आगे जाएंगे, वरना टीपी तक ही। गाइज जिस चीज का मैं डर था वही चीज तो हो गया, अभी हम चौकबल में रुके, चौकबल में परमिशन लानी थी मगर क्या करे, इतना संघर्ष करने के बाद हमें शायद सदर टॉप जाने का मौका मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आई होप आप सब ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे। तो जी गाइज, काफ़ी दिनों से मैं एक्साइटेड था और काफ़ी दिनों से प्लान बन रहा था साधना जाने का। तो जी गाइज, आज वो टाइम आ रहे हैं वहाँ जाने का। बाहर हमारा दानिश है और इम्तियाज वेट कर रहे हैं। दानिश का ड्यूटी था, वो वहाँ से आ गए, बाहर गेट पर वेट कर रहे हैं, और इम्तियाज कहीं गया था, वो भी आ रहे हैं। तो जी गाइज, अभी हम यहाँ से फटाफट निकलते हैं क्योंकि अभी आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 2 PM हो चुका है यहीं से, और वहाँ काफ़ी टाइम लगेगा जाने में। तो जी गाइज, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ब्लॉग आज का काफ़ी एक्साइटेड होने वाला है, तो जी ब्लॉग में बने रहें। चलिए जी गाइज, मैंने आपको कहा था दानी भाई वहाँ वेट कर रहे हैं, और ये हमारे दानी भाई आज हमारे ब्लॉग में आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, और किसी भी चाल बैठे। दानी भाई आज का प्लान बनाए, आज मैं कहाँ जाना है आज का? चलो हम कुपवारा पहले पहुंचते हैं, तो कुपवारा वही कुपवारा से ही हम डिसाइड करेंगे वहाँ हम कहाँ जाएंगे, हम लोला वैली जाएंगे या हम साधना टॉप तक जाएंगे। और इम्तियाज कई काम करेंगे था, दानी भाई ड्यूटी से आ गए। चलिए जी गाइज, आज का सफर शुरू हो रहा है, आज का ब्लॉग काफी एक्साइटेड होने वाला है, तो जी आप चैनल पे बने रहिए चैनल पे, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारा प्यार इसको शेयर भी कीजिए। और जी गाइज, आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हो मगर Facebook पेज को फॉलो नहीं करते हो, अगर आपको मेरे नाम को राइट साइड में फॉलो बटन दिख रहा है तो प्लीज उसको हिट करें और बहुत सारा प्यार दिखाइए। दानी भाई आप कुछ कहने वाले आज? बस मैं यही कहूँगा कि सब हमारे जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस ऑडियंस हैं, कि पेज को पहले तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। प्यार ऐसे आप अपना प्यार दिखाते रहो और हम भी आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे हमेशा। तो और जो हमारा प्लान है वो हम कुपवारा में डिसाइड कर लेंगे, पहले हम कुपवारा पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि हम लोलाब की तरफ जाएंगे या साधना टॉप की तरफ जाएंगे। बस हाँ जी गाइज, तो गाइज आज के ब्लॉग में बने रहना, ये देखिए कितना अच्छा मौसम है, बाहर का व्यू कुछ चेक करें इस तरह का है, और यहाँ पे बोर्ड लगा है, बोर्ड के सामने थोड़ा स्लो करना, ओरा कलर स्टंगडार 91 किलोमीटर, और ऊपर साधना 67 किलोमीटर दिखा रहे गाइस, और बाहर यहाँ का व्यू चेक करिए, ये देखिए। हाँ जी गाइस, तो यहाँ से टंगडार दिखा रहे 77 चौकबल, बाकी कुपवारा 1 किलोमीटर है यहाँ से, कुपवारा पहुँच के हमें डिसाइड करना है कहाँ हम जाएंगे, पहले वहाँ देखेंगे फ्यूल अब हम कहाँ पे करवाएंगे, आगे क्या फ्यूल स्टेशन आ रहे हैं वहाँ पे हम पहले फ्यूल अप करवाएंगे। सो गाइज, अभी हम कुपवारा पोस्ट के कुपवारा के म्यांमार में देख सकते हो पीछे, यहाँ पे डिसाइड हो गया साधना की तरफ जाना है, तो साधना नहीं जाने दिया, फिर हम जाएंगे टीटी। अगर साधना आगे परमिशन मिली साधना से आगे तो हम साधना से आगे जाएंगे, वरना टीपी तक ही रुकेंगे। चले जी गाइज, एंजॉय करें। तो जी गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं त्रागाम, त्रागाम में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पकड़ेंगे क्योंकि ऊपर शायद दुकानें वैसा नहीं है, यहाँ पे कुछ पकड़ेंगे पीने के लिए, तो फिर आगे का सफर।
तो जी गाइस यहाँ से जा रहे हैं साधना, वो बोर्ड पे देख सकते हो वहाँ पे आ गया। अभी हम पहुंच चुके हैं करालपुरा मैन मार्केट में। यहाँ से अप्रोक्सीमेट शायद 35 किलोमीटर से यहाँ से साधना, और बाकी ये रहा करालपुरा का पूरा मार्केट। अभी बहुत लंबा सफर है गाइस। तो जी गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं चौकीवाल, यहाँ से टीपी दिखा रहे हैं 10 किलोमीटर, और अगर हम एनसी पास बाकी वहाँ से जो भी एरियाज आते हैं टीपी तक अभी हमें 10 किलोमीटर है यहाँ से टीपी, और अगर हम वहाँ गए साधना तक, इंशाल्लाह हम साधना तक ही जाएंगे। साधना शायद 25 है वहाँ से। गाइज जिस चीज का मैं डर था वही चीज हो गया। अभी हम चौकबल में रुके, चौकबल में परमिशन लानी थी मगर क्या करे, वहाँ तो खाली टीपी तक परमिशन मिली। अब वहाँ देखते हैं आगे टीपी में जो कैंप है लास्ट कैंप, वहाँ पे हम देखेंगे। अगर उन्होंने छोड़ा साधना तक तो जाएंगे हम साधना तक, वरना टीपी से ही वहाँ अगर हम बंगस रोड से गए तो बंगस ही जाएंगे। चले जी गाइज वहाँ पे एक रोड जाता था बंगस के लिए, अगर हम वहाँ से वापस मुड़े तो शायद हम बंगस से जाएंगे, मगर इंशाल्लाह आई होप आगे जाने देंगे। वहाँ पे उन्होंने थोड़ा मतलब शोर किया था, वहाँ नहीं जाने देंगे रिस्ट्रिक्शन से, और ज़्यादातर फ़ोन लो नहीं है। और बाकी गाइज इसको चेक करें इस व्यू को, देखो गाइज वाह क्या मस्त है, इंसान का सुकून मतलब ज़बरदस्त, क्या फीलिंग आती है यहाँ पर। तो गाइज हमारे नेटवर्क्स तो ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं, तो गाइज अभी हम ऊपर जाएंगे, अगर साधना तक जाने दिया तो जाएंगे गाइज, बाकी ब्लॉग में बने रहना। दानिश भाई बताइए क्या तो लग रहा है अब इतने इतना संघर्ष करने के बाद हमें साधना टॉप जाने का मौका मिलेगा। अभी साधना टॉप नियर अबाउट 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 10 किलोमीटर अब हम आगे चलते हैं। तो चलो इतिहास गाड़ी में। तो जी गाइस हमने यहाँ पे एक और ब्रेक लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत ही भयंकर वाला व्यू था, वहाँ को चेक कर वहाँ से देखो पहाड़ और ठंडा है। दानिश भाई कुछ उठा रहे हो, हाँ क्या बता रहे हो और चेक करे इस व्यू। गाइज अभी हम साधना टॉप तक पहुंच चुके हैं, यहाँ से आगे बंदी से आगे जाने नहीं दे रहे प्रोहिबिटेड है, सिक्योरिटी ज़ोन, सिक्योरिटी रीजंस। तो ही चुपके गाड़ी में वीडियो शूट कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है। ये है लास्ट एंड ऑफ द साधना टॉप, यहाँ से हम नीचे ऑपरेटर जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, मगर वहाँ पे परमिशन नहीं है, वहाँ से डायरेक्ट ही मोड़ना पड़ता है वापस। योर गाइस यून यतीश गरज गाइस किड आहा साधना गाइस यून यत गाइस मस्त तुलन आहा। दानिश भाई बताइए आज का ट्रिप कैसा रहा गाइस? साधना टॉप थोड़ा सा नीचे है, वहाँ पे अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है फोटोग्राफी करना और वीडियो उठाना। तो हमने उनसे बात भी की, वहाँ पे जो हमारी आर्मी के जवान बैठे हैं हमने उनसे बात भी की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे आगे जाने के लिए चलानी पड़ती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं लाई थी। तो हम एक्चुअली प्रोग्राम नहीं था हमारा आगे जाने का, हमने सोचा था कि जो भी होगा इंशाल्लाह विद परमिशन होगा। इतिहास के नाम बताया आज के ट्रिप के बारे में, ट्रिप
तो अच्छी रही, लेकिन आगे नहीं जाने दिया, वरना और भी मजा आता है रियल। असल में हमें टीपी तक परमिशन थी, फिर हमने थोड़ा जुगाड़ कर दिया साधना तक आ गए, और यहाँ पे थोड़े क्लिप, थोड़े वीडियोस, फोटोज एक्स्ट्रा सब कुछ उठाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो टीट वॉल तक जरूर जाएंगे। एंड ऑफ द और वो देखिए यहाँ से बर्फ दिख रही है, और नीचे और इधर बहुत ही सर्दी है साइड, और मतलब सर्दी कितने इंसान रह नहीं सकता है। जैसे जैसे हंदवाड़ा में होती है ना, जनवरी फेब में होती है, जैसे जनवरी फेब में होती है हमारे इलाके में, वैसे आज है यहाँ पर। तो गाइस अगर कोई आप में यहाँ नहीं आए तो प्लीज विजिट करें इन जगहों को, देखें काफी मजा है। मगर जो भी आएगा वो करलपुरा में विद परमिशन आ सकता है। और बाकी गाइस यहाँ पे बहुत ही मजा है, यहाँ की हवा इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है। अच्छा गाइस तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ से अभी आर्मी आएंगी तो फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे। चले अभी हम नीचे जाएंगे, नीचे एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस, मगर मजे अधूरे रहे। वो तो है, हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे इंशाल्लाह हम परमिशन लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम, और सीधा टंगदार जाएंगे, सिमारी जाएंगे और टीटवाल भी जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह जरूर इंदियाज चले। गाइज मैं घर आ चुका हूँ, काफ़ी थक चुके हैं, और कई कई जगह अगर क्लिप नहीं आ गई तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन प्रोहिबिटेड था। तो मैंने पूरी कोशिश की है सब कुछ अच्छा दिखाने की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आप चैनल में नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।